गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की पहली क्लास है आपकी और मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। इसमें आपका जो सेक्शन ए है वो है आपका व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण, भाषा और परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम जो निबंध स्टार्ट करेंगे उसे जाने कि कैसे लिखा जाता है, निबंध होता क्या है, बुक से देखा, उतार लिया और लर्न कर लिया, ऐसे निबंध नहीं होता। निबंध में हमारी अपनी अभिव्यक्ति होती है, हम अपना सोच के लिखते हैं, हमें हमारे विचार प्रस्तुत होने चाहिए, उसी को हम निबंध कहते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में जब प्रस्ताव लेखन शुरू करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे कि हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले निबंध की परिभाषा या निबंध का अर्थ, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को एक निश्चित शब्द सीमा में अपने भावों और विचारों के माध्यम से जो हम प्रकट करते हैं अपने शब्दों को, वही निबंध कहलाती है। निबंध साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं और साथ ही साथ अपनी भाषा को सरल क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। और ये जो भाषा होती है बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, हमारी जो शब्द सीमा है संक्षिप्त होनी चाहिए, भावों के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे निबंध की परिभाषा। पहला हेडिंग कॉपी में ये डालना है आपका, फर्स्ट पेज में। दूसरा जो आपका हेडिंग है वो है कि निबंध के प्रकार। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? अब आप कहोगे कि निबंध तो हमें नहीं मालूम, हम तो लिख लेते हैं। तो निबंध हमेशा तीन प्रकार से हम लिख सकते हैं। विचारात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध इसमें क्या होता है कि भूमिका होती है। विचारात्मक निबंध में हम सबसे पहले अपनी भूमिका बनाते हैं विचारों को देने के लिए, विचार प्रधान होते हैं इसमें। वर्णनात्मक निबंध जिसमें वर्णन होता है, वर्णन प्रधानता किसी घटना का, किसी तथ्य का, तो उसका वर्णन प्रधानता है वर्णात्मक निबंध में। और भावात्मक निबंध में हमारी भावनाएं ही प्रधान होती हैं, हम भावनाओं के दृष्टिकोण से किसी की बात समझते हैं, वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, वो सब नहीं मायने रखता। हमें ये देखना है कि प्रस्तुत संवाद का भाव क्या है, मनुष्य कहना क्या चाहता है। तो इस प्रकार से निबंध हमारा जो होता है वो हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध। अब उसके बाद जो आपको अगला हेडिंग डालना है वो है निबंध के अंग। परिभाषा हो गई, निबंध के प्रकार हो गए, अब अगला हेडिंग निबंध के अंग कि निबंध में हमें तीन प्रकार के लिखने हैं लेकिन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आता है भूमिका। भूमिका में हमें क्या करना होता है कि विषय को स्पष्ट लिखना होता है, जिसमें कि उस विषय का जो टाइटल है उसका परिचय होता है। भूमिका के अंतर्गत हम उस शीर्षक का परिचय लिखते हैं। भूमिका संक्षिप्त और रोचक होनी चाहिए और किसी भी निबंध का लेखन भूमिका के द्वारा ही होता है, शुभारंभ भूमिका के द्वारा ही होता है, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम। इसके बाद निबंध की विषय वस्तु विस्तृत होती है, बहुत विशाल होती है। इसमें विषय से संबंधित विचारों को हम अपनी उक्तियों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, वाक्यांशों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। और अंत में हम लिखते हैं उपसंहार, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जिसे हम समापन कहते हैं, हिंदी में उपसंहार कहते हैं। और हिंदी प्रस्ताव लेखन में अंग्रेजी के शब्दों का कतई इस्तेमाल ना करें। इंग्लिश हम बीच में बोल इसलिए रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप जहाँ तक संभव हो सके हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करें। निबंध की समाप्ति बहुत ही रोचक होनी चाहिए और ऐसा लगे कि बिल्कुल सजीव है, यथार्थ है। समापन जो है वो उद्देश्यपरक और सार गर्भित होना चाहिए। पूरे निबंध का निचोड़ आपके उपसंहार में आ जाना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं आप, तो फिर आपसे ही संबंधित ये निबंध है। और सबसे आपका फेवरेट टॉपिक जो विषय मैं दे रही हूँ वो है दूरदर्शन। दूर से बैठकर जिसके दर्शन किए जाएं, वो दूरदर्शन, तो मैं और मेरा दूरदर्शन। इसमें जो हेडिंग्स हैं, सबसे पहले तामना, सबसे पहले आप कोई भी निबंध शुरू करें तो उसमें कोटेशन से ही स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर या टीचर आपको फुल मार्क्स दे, तो किसी भी ऐसे को आपको फिर कोटेशन से ही स्टार्ट करना है, कोटेशन से ही स्टार्ट करना है, तभी आपका वो ऐसे अच्छा बनेगा प्रस्ताव, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। प्रस्तावना में दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ दीजिएगा। दूर का मतलब दूर से, दर्शन का मतलब दर्शन, जिसके दूर से ही हम दर्शन करें, घर बैठे दूर से हर चीज़ों का दर्शन करें, उसी को हम कहते हैं दूरदर्शन। इसका आविष्कार आपको मालूम ही है, 1925 में हुआ था, इंग्लैंड में किया गया था, और इसका जो आविष्कार था वो जॉन एल बेयर्ड ने किया था, एक अंग्रेज थे। और इसके पश्चात अमेरिका में और आज संपूर्ण विश्व में दूरदर्शन के कई केंद्र स्थापित भी किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है। फिर दूरदर्शन क्या है, दूरदर्शन से कैसे मनोरंजन किया जाता है, दूरदर्शन श्रेष्ठ क्यों है, इसमें क्या क्या जिज्ञासाएँ होती हैं, तथ्यों की जानकारी हमें कैसे मिलती है, ये सब आप दूरदर्शन के अंतर्गत लिखेंगे। इसकी उपयोगिता और हानि ये भी आपको लिखनी है। और अंत में आपको इसका उपसंहार करना है। उपसंहार में आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में दूरदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दूरदर्शन के द्वारा हम सभी देशों, राज्यों, क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और ये विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ निबंध कैसे लिखना है वो मैं टॉपिक आपको भेज रही हूँ, पॉइंट्स भेज रही हूँ, तो आप देखकर अपने विचारों के साथ दूरदर्शन लिखें, और हो सके तो एक छोटा सा टेलीविज़न का डायग्राम भी आप बना लें। धन्यवाद।